बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु वहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदकल्लाहु लजीम। ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वर्चुअल पार्टिसिपेशन अगेन एट टुडेज कॉन्वर्सेशन। टुडेज कॉन्वर्सेशन इज आवर थर्ड एडिशन ऑफ our series of CPG conversations on the way forward for Pakistan. We started this conversation series 3 weeks back on Sunday with Pakistan's Information Minister, Senator Shibli Firas. And last Sunday, we hosted the second edition of this way forward for Pakistan dialogue with Pakistan's Education Minister, Shafkat Mahmood. Today's third edition's speaker and expert is Pakistan's Minister for Science and Technology, Fawad Chaudhry. इस जो सीरीज हमने शुरू की, इसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक पूरे पाकिस्तान से और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा दुनिया भर में उससे आ रहा है। और अभी तक हमारा जो दोनों लास्ट सेशन हुए हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन थी, दिस वॉज ओवर 40,000 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दिस इज स्टिल इन सर्कुलेशन और बहुत अच्छी डायलॉग हुई। और हमारा जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि हम स्टेट के हवाले से बात करते हैं, जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है उसके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उसके रोड मैप के हवाले से बात करते हैं, और फिर ओवरऑल पाकिस्तान एज ए स्टेट उसका जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर बात करते हैं। एक इम्प्रेशन आफ्टर द थर्ड अनाउंसमेंट, जब मैंने फवाद चौधरी साहब की अनाउंसमेंट की, तो ये हुआ कि शायद मैं सिर्फ मिनिस्टर्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ ये डायलॉग की सीरीज कर रहा हूँ, और इस लिहाज से मैं मौजूदा हुकूमत को सिर्फ प्रमोट कर रहा हूँ, उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने ऑफकोर्स जब हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो जो हुकूमत के वक्त होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वी स्टार्टेड विद शिबली फराज साहब, शफकत साहब एंड टुडे फवाद चौधरी। But after this, we are hosting with Sayyid Mustafa Kamal, who is the former mayor of Karachi, followed by Senator Sheri Rehman, followed by other political leaders from different parties. And this is not political leaders that restricted the series, which is Way Forward for Pakistan. But our member Amir Ibrahim, JAS ke CEO, is with us. We are working working with him. He and I are working together with some corporate and civil society leaders. We will continue this series. तो पर्पस ये है कि टिपिकल एक मीडिया डायलॉग ना हो और एक ब्लेम गेम ना हो, बल्कि स्ट्रेटजीज पे बात हो, कुछ हार्ड क्वेश्चंस हो और उस पर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, सिर्फ उस पर काउंटर आर्गुमेंट ना करें। तो इस तरह से लास्ट जब हमारी दो कॉन्वर्सेशंस हुई तो हमने सिर्फ सवालात किए, उसके जब जवाब आए तो उसमें हमने काउंटर आर्गुमेंट्स नहीं किए। फवाद चौधरी इज आवर वेरी एक्टिव मेंबर एज वेल, ही इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप सिंस लास्ट टू इयर्स एंड ही इज वेरी एक्टिव इन आवर कॉन्वर्सेशंस। करंटली ही इज द फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट द गवर्नमेंट स्टार्ट हुई 2018 में, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपॉइंटेड हिम एज द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ही सर्व्ड एज पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। उससे पहले ये 2011-12 में पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब जो है वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। उससे पहले ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी पार्ट रहे, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ। ये पॉलिटिकल फैमिली से इनका ताल्लुक है और वोकल आदमी हैं और कहते हैं कि डंके की चोट पे बात करते हैं, बहुत कैंडिड गुफ्तगू होती है। हमारे अपने सर्कल में इनका बहुत बड़ा फैन क्लब है, बहुत ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं और कम अज कम हमारे ग्रुप में ये बहुत सुपरहिट है आजकल। और अपनी कैंडिड गुफ्तगू के बिकॉज ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करते, और एक बहुत बड़ा सर्कल है जो इनका बहुत शदीद मुखालिफ है। तो दोनों तरफ की चीजें हैं, लेकिन इनको मीडिया में रहने का और न्यूज में रहने का फन आता है और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ये लेते हैं। तो आज की जो गुफ्तगू होगी हमारी, उसके बेसिकली दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है वो क्या काम कर रही है, उसके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और नेक्स्ट 3 इयर्स का क्या रोड मैप है, और उसका क्या विजन ओवरऑल पाकिस्तान के आने वाले नेक्स्ट 30-40 इयर्स में होना चाहिए।
और जो दूसरा पार्ट होगा हमारा वो स्टेट इश्यूज होंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स पे हम बात करेंगे, मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे और बहुत सारे जो इमर्जिंग इश्यूज हैं, जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, जो कॉम के सामने हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन दोनों पार्ट से पहले एक सवाल जो लाइटर नोट पे हो सकता है, लेकिन वो एक सीरियस नोट पे मैं कर रहा हूँ, बिकॉज के फवाद चौधरी अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर एंड पॉलिटिकल लीडर ही इज नोन एज, ईद पे चांद की बात आती है तो फवाद चौधरी का नाम आता है और उसपे भी एक डिबेट चल रही है। जो ईद उल फितर थी उस पर कोई मसला नहीं हुआ और इनकी बात सही साबित हुई, और अब जो है वो एक मसला हुआ, इनकी बात बज़ाहिर सही साबित नहीं हुई लेकिन जब चांद लोगों ने देखा तो वो नजर आया कि शायद दूसरी का चांद। तो उसकी मैं डिटेल पे या पॉलिटिकल उस पर नहीं जाता, लेकिन मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि इस पर आपका क्या व्यू है, बिकॉज की ये डिस्कशन इस वक्त चल रही है हर जगह पे, तो मून साइटिंग पे आपका क्या इश्यू है और आप अगर अथॉरिटी नहीं है तो आपका मिनिस्ट्री का क्या रोल है और रुयतुल हलाल कमेटी को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पे लोगों के जज्बात वाबस्ता हैं। तो इस पे मैं आपसे गुफ्तगू आगाज करूंगा, उसके बाद हम अपनी एक्चुअल डिस्कशन पे आएंगे। जी फवाद साहब, देखिए ये मून साइटिंग का जो इशू है ये सिर्फ ये नहीं है कि आप चांद जो है वो साइंस प्रेडिक्ट कर सकती है, उसमें तो मतलब कोई दो राय नहीं है। जो आदमी भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस रखता है, थोड़ा बहुत साइंस को पढ़ता है, तो जाहिर है कि वो इस बात को देखेगा कि अगर साइंस जो है वो चांद पे जाके लोग वापस आ सकते हैं तो चांद की प्रोडक्शन करना देखना तो उनके तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली पाकिस्तान में जो सुबह एक शुरू से झगड़ा है कि तशरी जो मजहब को हमने देनी है वो क्या देनी है, हमने वो तशरी देनी है जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए सोची थी, या हमने वो तशरी देनी है जो कि उस वक्त का मजहबी तबका पाकिस्तान को दे रहा था। यानी एक कंजर्वेटिव आप इंटरप्रिटेशन है और एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। सो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में जो असल झगड़ा है या प्रॉब्लम है वो ये कहते हैं कि जी नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो किसी तौर के ऊपर मजहब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम इस चीज़ को मान लें तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान एक बिल्कुल कंजर्वेटिव स्टेट होगी और बैकवर्ड एक स्टेट होगी। ये जो नुक्ता नज़र है ये नहीं माना जा सकता। लिहाजा जो मेरी इंसिस्टेंस रही है वो ये रही है कि ये जब आप कहते हैं कि साइंस का ताल्लुक नहीं है मजहब से, इलम का ताल्लुक नहीं है मजहब से, तो ये इसलिए गलत है कि हम तो मानते हैं कि कुरान पाक जो है वो तमाम अदून का माखज़ है और जो मजहब शुरू ही इकरा से करे और जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म करें कि आपको अगर चीन जाना पड़े इलम हासिल करने के लिए तो जाए, तो आप ये उसको कैसे हमें कन्विंस करेंगे कि ये इसका इलम से, अकल से, मजहब से, दलील से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये जो एक फंडामेंटल एक कह लीजिए तो इंटरप्रिटेशन है दैट इन्वॉल्व्स इन दिस मून साइटिंग इशू। और अगर ये जो हमने जो कैलेंडर जारी किया पिछले साल का कैलेंडर है उसके मुताबिक जो तमाम डेट्स हैं अब तक वो तमाम डेट्स बिल्कुल जो है वो सही साबित हुई, एक अलहदा बात है। और अब ये जो अनफॉर्चुनेटली काबीना ने इसके ऊपर अभी तक अपना जो डिसीजन है वो पेंडिंग रखा हुआ है और इस्लामी नजरियाती काउंसिल और काबीना दोनों इसके ऊपर किसी कंसेंसस के ऊपर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और यही एक्चुअली एक ग्रास रूट प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि हम इस हवाले से पाकिस्तान में तकसीम है और हमें पता नहीं है कि हमने कौन सी इंटरप्रिटेशन को फॉलो कर। ठीक है, मैं आपके सवाल से बाकी गुफ्तगू से पहले बताता चलूं नाज़रीन को कि हम जूम पे बहुत कम पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं। हमारा जो बेसिक है वो फेसबुक जो हमारा नटशेल कॉन्फ्रेंस का पेज है उस पे हमारा सारा ऑडियंस होता है, वहां पे इस वक्त लाइव है तो आप उस लिंक को सबके साथ सर्कुलेट भी कर सकते हैं। फवाद साहब, आपसे मेरा पहला सवाल मिनिस्ट्री के हवाले से ये है कि इस वक्त आपके एग्जिस्टिंग क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे कभी नहीं होता, लेकिन आपके आने के बाद उस पर बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं एक्टिविटी नजर आ रही है। तो आपका इस वक्त एग्जिस्टिंग बड़े प्रोजेक्ट्स क्या है और नेक्स्ट 3 ईयर्स का आपका क्या रोड मैप है, क्या आपकी स्ट्रेटजी डिजाइन हुई? देखिए ये जब पहले मैं मिनिस्ट्री जब मैंने टेक ओवर की थी तो पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे ये हुआ कि पाकिस्तान वाज प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे हमने ये किया कि जो एक 0.64% हम खर्च कर रहे थे अपने GDP का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर और 10 सालों में उसको कम करके 0.24% पे हम ले आए। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हम इसको अपने साइंस और टेक्नोलॉजी को ये हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फिर जब मैं आया हूँ तो मैंने इसमें 14 जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं तीनों, कॉमसेट्स है, नस्ट है और न्योटेक है, वो इस मिनिस्ट्री के साथ
एफिलिएटेड हैं और 14 जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं। और इन डिपार्टमेंट्स की भी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 50s में जो मैं पीछे बात कर रहा था कि पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त जो लोग पाकिस्तान को बना रहे थे वो क्या लोग थे। सबसे पहले 1952 में हमने वेस्ट पाकिस्तान लेबॉरेटरीज क्रिएट की जो बाद में PCSIR बना, यानी पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 52 में जब ये इदारा बना था उस वक्त थर्ड वर्ल्ड में भी इस तरह का कोई इदारा नहीं था, मुस्लिम वर्ल्ड को तो छोड़ ही दे। और ये 60s की जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वी ओ इट टू PCSIR। उसके बाद 1960 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे बड़े साइंटिस्ट ने स्पार्को की बुनियाद रखी और हमने अपना सैटेलाइट प्रोग्राम शुरू किया, तो इस वक्त एशिया में उस वक्त रशिया के USSR के बाद अगर कोई मुल्क सैटेलाइट प्रोग्राम केपेबल था तो वो पाकिस्तान था। और 1962-63 में जब हम अपने पहला रॉकेट हमने छोड़ा था रहबर के नाम से, इंडिया और चाइना तो उस वक्त रेस में भी नहीं थे। और अब जब हम बात करते हैं कि हम अपना खलाई मिशन भेजेंगे या हम अपना पहला स्पेस मिशन भेज रहे हैं तो लोग तो एक दफ़ा हमारी जो नौजवान हैं वो तो एक दफ़ा गूंगी हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। बट पाकिस्तान की ये हिस्ट्री थी। इसी तरह से हमने वाटर रिसर्च काउंसिल जब 1964 में बनाई तो फर्स्ट वर्ल्ड में भी लोग नहीं समझते थे कि पानी भी कोई ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। सो ये फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट की अपनी, और सुपीरियरिटी जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की थी वो हमने उस वक्त जो है वो बुनियाद उसकी जो है वो की। अनफॉर्चुनेटली 71 में सानहा मशरकी पाकिस्तान हो गया और फिर अफगानिस्तान हो गया। अब थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करिएगा कि किस तरह पॉलिटिक्स इफेक्ट करती है बाकी तमाम आपके जो जाविया नगाह होते हैं मुल्कों के उनको। अब जब ये साने हो गए और हमारी तमाम तर तवज्जो जो है वो सिक्योरिटी की तरफ चली गई तो यहाँ पे हमने दो बड़ी गलतियाँ की। एक तो 1980 की दहाई में हमने जनरल जियाउल हक ने, गुलाम इसहाक खान साहब ने ये नहीं कहा अमेरिका को कि हम आपके कहने पे मदरसे तो बनाते जा रहे हैं, हमें मॉडर्न कैंपसेस भी बना के दें और हम हॉवर्ड का, MIT का, कैम्ब्रिज का, अगर हम उस वक्त उनको कहते कि हमें कैंपसेस बना के देते तो आज आप अंदाजा करिए कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे होता। दूसरी बड़ी गलती हमने ये की कि जिस तरह अमरीका ने, चीन ने और इसराइल ने अपना सिविल मिलिट्री इंटरफेस क्रिएट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, हमने नहीं किया और हम साइलोज में रहे। लिहाजा आज हम देखिए कि JF थंडर तो हम बनाते हैं, उसकी 70% इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम बनाते हैं लेकिन हम अपना TV नहीं बना सकते, हम टैंक्स तो बनाते हैं, हम अपनी गाड़ी इंडिजनाइज नहीं कर सके, हम अपना इंजन नहीं बना सके, उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन नहीं बनाते हैं लेकिन हम मिसाइल प्रोग्राम अपना चलाते हैं। सो ये जो एक फ़र्क थे इसको अब आकर के एक तो हमने इसको दूर किया है, अपने पाकिस्तान में पहली बार हमने सिविल मिलिट्री इंटरफेस क्रिएट किया है। और ये जो कोविड में आपने देखा कि जो हमें कामयाबी मिली कि 26 फरवरी को जब पहला कोविड केस आया तो हम अपना कुछ भी खुद नहीं बना रहे हमने, और फिर उसके 2 हफ्ते बाद तकरीबन सैनिटाइजर जो है वो शॉर्ट हो गए थे पाकिस्तान में। हमने यहाँ से ये सफ़र शुरू किया, 3 महीनों के अंदर हमने डिफेंस प्रोडक्शन के साथ हमने कोलेब्रेशन की, हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलेब्रेशन की, अब हम मिलियंस ऑफ डॉलर का जो डिसइंफेक्टेंट्स है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के PPEs जो हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अब हमारी जो लेटेस्ट जो हमने कामयाबी हासिल की कि Level 4 की जो मशीनरी है वेंटिलेटर वो भी अब हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग की जो सनअत है उसने जन्म लिया है। और अब आप देखेंगे कि हमें पूरा नया शहर बनाने जा रहे हैं, 200 एकड़ के ऊपर पहला शहर है, उसके बाद सियालकोट में, उसके बाद फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में, इन जगहों के ऊपर हम बहुत बड़े जो एक कह लीजिए कि एक नई इंडस्ट्री का ये जो पाकिस्तान में जन्म हुआ है ये पाकिस्तान को इट विल गो अ लॉन्ग वे। अब जो आपने कहा कि मुस्तकबिल का क्या है, हमने आके पूरी इसकी मैपिंग की और मैपिंग करके हमने फैसला किया। देख पहले मैं एक लाइन और थोड़ी मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए असूलन क्या करना चाहिए मुल्क को, असूलन तो ये होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और कॉमर्स ये आपस में बैठे और ये देखें कि हमें ज़रूरत क्या है, हमने इंपोर्ट क्या करनी है और हमने एक्सपोर्ट क्या करनी है। उसके बाद HEC और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैठे और वो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के फैसला करें कि हमारी डिग्रीज जो हैं यूनिवर्सिटी में वो कौन सी होंगी, एडजस्ट कैसे करें।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करना चाहता हूँ तो मैं अपने पैसे दूँ और इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करूँ, या मैं लॉ करना चाहता हूँ मैं अपने पैसे दूँ मैं अपना लॉ करूँ। लेकिन गवर्नमेंट को वो डिग्री सब्सिडाइज करनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में अपने लोगों को इम्पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए। लिहाजा हमने पहले अपनी एक मैपिंग की, उसमें हमें पता चला कि देखिए हमें 3 एरियाज जो है उनमें हमने उसको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। लिहाजा हमने प्रिसीजन एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज किया है। हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो फार्मर है और स्पेशली जो छोटा फार्मर है उसको बिल्कुल वो बदल के रह जाएगा, क्योंकि अगले 10 साल हेल्थ और एग्रीकल्चर मेरे ख्याल में ये दो बिजनेसेस जो हैं ये डोमिनेट करेंगे दुनिया को। लिहाजा प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सेकेंड जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और नंबर 3 जो है वो केमिकल्स है। केमिकल्स में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ कि हम $3.1 बिलियन के केमिकल्स इम्पोर्ट करते हैं, बट $1 बिलियन के केमिकल्स हम पाकिस्तान में बनाते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो हम अब प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठेंगे और हम ये R&D और उनको इकट्ठा करेंगे कि कैसे हम ये $1 बिलियन की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि 35-40 साल की प्लानिंग, मॉडर्न दुनिया में मेरे ख्याल में आप 10 साल से आगे की प्लानिंग कर ही नहीं सकते। कोई ना कोई एलन मस्क आ जाता है, बिल गेट्स आ जाता है और ज़करबर्ग आ जाता है, वो पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। सो आप 10 साल पे फोकस करें। हमने 3 साल, 5 साल और 7 साल के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह $3 बिलियन की जो एक इंपोर्ट रिप्लेसमेंट और एक्सपोर्ट जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने वेंटिलेटर्स की जो बात की, जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो हो रही है वेंटिलेटर्स की, उसका क्या स्टेटस इस वक्त है और पाकिस्तान के किन हॉस्पिटल्स में वो वेंटिलेटर्स यूज हो रहे हैं जो आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड, या ये सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, एक्सपोर्ट तो अभी कर ही नहीं रहे हैं, ये अभी तो सिर्फ लोकल यूज में है। और इस वक्त जो है वो मेयो हॉस्पिटल में एक तो जो है वो हमने तो वेंटिलेटर जो NDMA को बेसिकली दे दिए हैं, NRTC ने NDMA ने आगे दिए हैं, तो आई कांट से विद डिटेल, बट ये मुझे पता है कि उन्होंने पहला जो सेट था वो उन्होंने मेयो हॉस्पिटल में भेजी। ठीक है। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसका एक्चुअली रोल सारे सेक्टर्स में होना चाहिए फॉर द वैल्यू एडिशन, बट अगर हम देखते हैं तो हमारे जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेज लेवल है, उसमें हम लोग वेरी वेल इक्विपमेंट नहीं है। और अगर आप बात करते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, अगर लेबोरेटरी फैसिलिटीज की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी लैकिंग है। तो इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, बिकॉज के जो आपका बहुत बड़ा यूथ का जो आपका सर्किल है, 65% पॉपुलेशन आपकी यूथ है, वहां से आप साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और अगर ये आपकी ग्रास रूट से आपने चीजों को बेहतर नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने या स्टेट ने अगर इस पर तवज्जो नहीं दी, ऑफकोर्स वो तादाद जो साइंटिस्ट की यहाँ से प्रोड्यूस होनी चाहिए पाकिस्तान जैसी कंट्री से, वो नहीं हो सकेगी। तो ठीक है, हम चांद पे जाने की बात जरूर करते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे आपकी क्या स्ट्रेटजी है, कोई ऐसा एक्शन आपने इनिशिएट किया है या पाइपलाइन में है, या अगर कर चुके हैं तो उसकी क्या आपका रोड मैप है? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात की है। देखिए, हमने किया दो बड़े प्रॉब्लम हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत बुरी है, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। लिहाजा हमने ये किया है कि हमने 454 स्कूल्स को इस साल हम पिक कर रहे हैं। हमने 30 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ को ये कह रहे हैं कि आप ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, यानी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो 4 सालों के जो स्कूल हैं, इनको आप अडॉप्ट करें और हम इन स्कूलों को स्टेम स्कूल्स बनाएंगे, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ स्कूल्स। और यहाँ पर हम ये चाहते हैं, हमारे प्रॉब्लम क्या है, एक तो देखिए हमारा प्रॉब्लम है हमारे पास टीचर्स नहीं है, दूसरा यह है हमारे पास लेबोरेटरीज नहीं होती। सो इसको हम एक ब्लेंडेड एजुकेशन जो है वो यहाँ पे ला रहे हैं। इब्तदाई मरहले में 454 स्कूल जो है वो अगले इस साल हम जो है वो उठाएंगे और उनको हम अपग्रेड करेंगे, फिर इस तरह इसको जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो करते जाएंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको इसमें जाहिर आना पड़ेगा फंडिंग के लिए, तो चारों जो इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके साथ भी हमारी बात हुई है और इसको जो है हम अपग्रेड कर रहे हैं स्कूल्स को। और एक्चुअली हमारा एक, मैं तो काफ़ी अच्छे से कह रहा हूँ, हम 1 बिलियन रुपीस की स्कॉलरशिप देते हैं हर साल, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन इनका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा।
अगर मेरी बात जो है वो सुनी जाए तो मेरी तजवीज़ तो ये है कि हम तमाम तहसीलों के जो आठवीं जमात के टॉपर्स हैं हम उनको 8,000 रुपया महीना दें, जो दसवीं के टॉपर्स हैं उनको 10,000 महीना दें, और जो ट्वेल्थ क्लास के टॉपर्स हैं उनको 12,000 रुपया महीना दें, और फिर हम उनके टॉपर्स ऑफ द टॉपर्स को हम बाहर भेज दें स्कॉलरशिप के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा कि पूरे पाकिस्तान की एक आईवी लीग आ जाएगी, क्योंकि ये जो जिस तरह से साइंस है या मैथ्स है ये तमाम बच्चे तो नहीं कर सकते, ये तो जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं वही करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आएगा और पूरे पाकिस्तान की क्रीम वाला क्रीम जो है वो हम जमा कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी उसके ऊपर जो है वो मेरी कुछ सुनी नहीं। अच्छा, आपके जो बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है, तो उस हवाले से आपका क्या हुआ? आपने जब मैं आपके घर पे लास्ट वीक में था तो हमने इस पर डिटेल में गुफ्तगू की थी, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे आइडेंटिफाई भी किए थे, तो उसकी क्या डिटेल्स हैं और उस सिलसिले में आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? बिकॉज के बहुत बड़ा जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल अनअवेयर है इस हवाले से, उसकी उसकी नॉलेज में नहीं है कि क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स हो छोटे बड़े मीडियम साइज, तो आई थिंक ये वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा यहाँ पे। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं तो तमाम प्रोजेक्ट्स जो बना रहा हूँ उनमें प्राइमरी प्रोजेक्ट्स बना ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए रहा हूँ, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो आए और हमारे साथ बैठे इन्वेस्ट करें और डिटेल में हम उनको बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम तमाम लेबॉरटरीज प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशन में रहे, हम एक्रीडेशन में रहें और प्राइवेट सेक्टर अपनी लेबॉरटरीज डेवलप करें, क्योंकि लेबॉरटरीज का एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट से बिजनेसेस नहीं चलते हैं और सारी लेबॉरटरीज जो हैं वो लॉसेस में चली जाती हैं, तो आई वुड लाइक प्राइवेट सेक्टर टू कम फॉरवर्ड और आप तमाम जो लेबॉरटरीज हैं उनको टेक ओवर करें। हमारे यहाँ मटीरियल्स की लेबॉरटरीज हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की लेबॉरटरीज हैं और बेशुमार लेबॉरटरीज हैं, अगर आप आएंगे तो एक तो उसके ऊपर जो है प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए और नई लेबॉरटरीज भी जो है वो लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो शालकोट का अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो बिजनेस है वो इस वक्त $400 मिलियन का उनकी एक्सपोर्ट है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्टरलाइजेशन फैसिलिटी उनको दे सकें शालकोट को तो वो $1 बिलियन का बिजनेस हो जाएगा, सिर्फ एक स्टरलाइजेशन की एक फैसिलिटी उनको वहाँ पर अगर मिल जाए, तो अगर आप स्टरलाइजेशन लैब वहाँ पे लगाएं और लेबॉरटरी लगाएं, स्टरलाइजेशन फैसिलिटी लगाएं, इट विल बी नॉट ओनली अ ग्रेट बिजनेस फॉर योरसेल्फ बट विल ऐड कपल ऑफ मिलियन डॉलर्स टू पाकिस्तान एक्सचेंजर ऑल्सो। दूसरा, कृषि एंड एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें जो हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर कंपनीज जो हैं इसमें आए, एंग्रो जो है वो इसमें पहले ही उससे हमने बात की है, उसको हमने इन्वॉल्व किया है, बाकी एग्रीकल्चर कंपनीज जो है उनके साथ भी हम इन टच हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको एक एग्रीकल्चर सर्विसेज कंपनी क्रिएट करें जिसमें 65% शेयर प्राइवेट हो और 35% शेयर जो है वो पब्लिक हो, और इसको हम जो पाकिस्तान में जो कई सैकड़ों फॉर्म है उनको हम एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेजेस दे सकें उस कंपनी के जरिए, उसको ड्रोन्स दे सकें स्प्रे के लिए, उसको हम और चीज़ें जो है लेजर लेवलिंग मशीन से लेके छोटे इम्प्लीमेंट से ये दें ताकि हमारी बिल्कुल एक जो एग्रीकल्चर है वो उसमें जो है वो बिल्कुल बदल जाए। इसी तरीके से जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें भी हम चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ आपकी क्या कोलैबोरेशन है या इस सिलसिले में कोई आपकी पॉलिसी प्लानिंग चल रही है? बिकॉज के आप दोनों की बड़ी क्लोज एफिलिएशन होनी चाहिए, क्लोज आपको कोलैबोरेशन के साथ काम करना चाहिए, जैसा कि आपने बताया एग्री बिजनेस के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का क्लोज लाइजन है और इसमें हम चारों सूबों को भी अभी हम शामिल करेंगे, लेकिन असल जो हमारा ज्यादा इशू है कि जो मिनिस्ट्रीज, ये जो आपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज हैं ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पे काम कर रही है, हम नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा काम करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम अभी जो हमने बायोटेक्नोलॉजी पार्क हम बना रहे हैं जेलम में, वहाँ पर हम पहला जो पाकिस्तान जो हर्ब पार्क है जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा हर्बल मेडिसिन का पार्क है वो हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि वो जो फार्मर है वो नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स की तरफ हम लाएं, जैसे काली मिर्च है, जिंजर है, उसके बाद आपकी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है, एस्पेरेगस है और इस तरह की दूसरी है, पल्सेस है, तो हम एक्चुअली फिलहाल हमारा जो फोकस है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ठीक है, टेक ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड प्रोडक्शन के लिए इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो आपकी है
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, वो इस टेन्योर के अंदर कोई कॉन्क्रीट काम कर रही है, कोई चीज प्लानिंग में है, कोई आपका टारगेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमने अभी दरख्वास्त की है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी। प्रॉब्लम यह है कि जो एग्जिस्टिंग SEZ स्ट्रक्चर है वो कहता है कि 50 एकड़ आपको मिनिमम चाहिए आपको कोई टेक्नोलॉजी अगर आपको SEZ के बेनिफिट्स लेने। हम ये कह रहे हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लैंड जो है वो इररिलेवेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिथियम-आयन बैटरीज का प्रोजेक्ट लगाते हैं वो $25 मिलियन का प्रोजेक्ट होगा लेकिन वो 5 करोड़ जगह के ऊपर जो है वो लग सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें ये जो लैंड की शर्त है इसको ख़त्म किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और हमें छोटा जो इंडस्ट्री है या तो हम उसको ही SEZ का स्टेटस दे सकें या फिर हमें अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उन वो बनाने की इजाज़त दी जाए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, और वो भी इन द हब ऑफ द सिटी। हम तो बहुत बाहर ना जाएं और बड़े शहरों के अंदर जो है वो हम बना सकें, और इसके साथ बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो जेल में बन रहा है उसका बनाया। ठीक है, मुझे फवाद साहब ये बताएं कि पाकिस्तान का जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान एक्सपोर्ट में और क्या पोटेंशियल है हमारा? तो नंबर्स आपके पास, कोई रोड मैप? इंजीनियरिंग सेक्टर हमारा जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो इसको रेगुलेट करती है। 3 लाख से ज्यादा इंजीनियर हैं पाकिस्तान में इस वक्त, और अनलाइक कई और जो हमारे क्राइसिस हैं जैसे मेडिकल एजुकेशन में एक क्राइसिस चल रहा है जहाँ पे हमारी डिग्रीज का इशू आया या और कोई आया, एक्चुअली हमारी जो इंजीनियरिंग डिग्री है उसको दुनिया ने रिकग्नाइज किया है और वॉशिंगटन एकॉर्ड का हम हिस्सा बने हैं इस साल। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है एक्चुअली उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सराहा गया है, और हमारे इंजीनियर्स जो हैं बड़े बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके साथ हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी बहुत कमाल किया है। पाकिस्तान इज ऑब्वियसली द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, और इसके साथ और ये तमाम अभी फैटफ के बावजूद है जहाँ पे आपको पता है हमारे पास जो सहूलतें हैं वो नहीं है, पेपैल हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमारा बहुत बच्चे जो हैं वो बड़े नुकसान में, उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक्चुअली वी हैव डन दैट। पेपैल का इशू तो अपनी जगह पर है, वो बहुत बड़ा इशू है, उसको यकीनी तौर पर रिजॉल्व होना चाहिए। बट अगर आप देखें, हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड पे हम इस वक्त हैं, और खासतौर पे कोविड ने हमें दिखाया कि जो फ्यूचर है वो डिजिटल था नहीं बल्कि ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड में हम एंटर हो चुके हैं। पर पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन करने की दोबारा बातें हो रही हैं, 3 साल का बैन ऑलरेडी हम फेस कर चुके हैं, और वो इतना सेंसिटिव इशू था कि उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज नहीं उठाती थी, और ऑफकोर्स इस वक्त भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का उसमें कोई मसला नहीं है, बट इस वक्त हम यूट्यूब को बैन करने की बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा डैमेज हमारी स्टेट को होगा, हमारी पॉपुलेशन को होगा, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो सारे सफर करेंगे। इस पे आपका क्या व्यू है और क्या लाइन ऑफ एक्शन है? कल भी रात को हमारी आपसे और तानिया से गुफ्तगू हो रही थी, और पिछले 2 दिन में क्या आपका प्रोग्रेस इस हवाले से हुई है, क्या स्ट्रेटजी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर आप कर रहे हैं ताकि ये इस किस्म के मसले ना आए, ना आइंदा इस पे कोई बात हो? बिकॉज के जो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है, जो एक ओवरऑल एक एनेबलिंग एनवायरमेंट होता है, वो कंप्लीट जो है ना उसको डैमेज होता है इस किस्म की र्यूमर से, और ये र्यूमर नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या व्यू इस पे आपका है और क्या लाइन ऑफ एक्शन है ताकि आइंदा ये मसला दोबारा से पेश ना आए? पहली बात तो ये है कि एक ओवरऑल जो हमारा प्रॉब्लम है वो इंटरनेट स्टेबिलिटी का स्प्रेड का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो हमारी IT मिनिस्ट्री है उसका मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ही काम है, और वो काम ये है कि वो इंश्योर करे कि हमारा इंटरनेट जो है वो स्टेबल हो और उसका जो स्प्रेड है वो हो। और USF के पास बहुत पैसा है बट अनफॉर्चुनेटली कई सालों से वो प्लान ही नहीं कर पाए हमारे IT मिनिस्ट्री वाले कि उसको कैसे वो खर्च कैसे करें और कैसे हम एक स्टेबल इंटरनेट जो है वो दे सके। और इसीलिए आपने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर काफ़ी बड़ा जो है वो झगड़ा भी हुआ। दूसरी बात आपने जो ऐप्स की है, पहली बात तो यह है कि देखिए एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको समझते नहीं हैं पूरे बिजनेस को, और उनका ख्याल है कि ये जो YouTube है या जो TikTok है या Facebook है या Google है ये कोई ऐसे ही जो है वो कंपनीज हैं जिनको जब मर्जी हम चाहेंगे बुला लेंगे, विजिट कर देंगे, इधर कर देंगे उधर कर देंगे। ये पूरे मुल्क हैं खुद, इनके जो बजट्स हैं R&D बजट ही इनके जो है वो कई मुल्कों से बड़े हैं।
सो जब आप ये मुल्क ये कैसे काम करते हैं, आपको इनका क्या फायदा होता है? जब ये मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, मैंने बड़ी कोशिश की कि यूट्यूब और फेसबुक जो है एंड गूगल जो है वो अपने ऑफिस पाकिस्तान में खोले, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस नहीं खोले. क्यों नहीं खोले? बिकॉज कि आप हमें सेंसरशिप में लाएंगे, और ये और दूसरा ये कि हमें कबूल नहीं है इस तरह का जो आपकी तरफ से कुछ आ जाता है, कभी अदालतों की तरफ से आ जाता है, कभी इंतजामिया की तरफ से आ जाता है. अच्छा, अब जब ये लोग अपने ऑफिस नहीं खोलते तो आप बिजनेस किससे करेंगे? आपके जो बच्चे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपके लोग जो टेक में हैं, जब आप इन कंपनीज को शटडाउन करने की बातें करें, जब आप इन कंपनीज को की हैसियत को तस्लीम नहीं करने की बातें करेंगे, तो जाहिर है वो आपके साथ बिजनेस में कीन नहीं होंगे, और अगर वो कीन नहीं होंगे तो आप उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकेंगे. और आपका ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी साइड का एक बहुत बड़ा जो मसला है वो आएगा. अब दूसरा लीजिए, हमारा जो लोग कहते हैं कि कॉन्टेंट इनके ऊपर जो है वो हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसके दो हिस्से हैं. एक कंटेंट वो है जो यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेबल है इंटरनेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, फॉर एग्जांपल हेट स्पीच है. इसके लिए आपको इन कंपनीज के साथ बैठ के आप बात करते हैं, वो आपको अकोमोडेट करते हैं. खुद हमें जब तरीके लद्दाख का धरना था, हमने क्लोजली काम किया फेसबुक के साथ, यूट्यूब के साथ, ट्विटर के साथ. उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और उसका बहुत कॉन्टेंट जो रिमूव किया गया. लेकिन दूसरा जो कंटेंट है, जैसे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का फॉर एग्जांपल कंटेंट है, किसी आप इदारे पे तनकीद कर रहे हैं, किसी जजमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, उसको ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक फ्री स्पीच का एक मामला है. और दूसरी बात यह है कि जो सेंसरशिप की पॉलिसीज हैं, किसी की भी ख्वाहिश होगी, ये सेंसरशिप की पॉलिसीज नहीं चल सकती, और अल्टीमेटली आपको जो है वो इसको जाना पड़ेगा, आपको दूसरी तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी जो है उनको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी. एक तीसरा हिस्सा ये है कि आप ये करें कि ये जो जो कंटेंट है आपका, ये आपके अपने लोग जो बना रहे हैं और जो अब्यूजिव कंटेंट क्रिएट करते हैं, आखिर हम उनको पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम में लाते क्यों नहीं? जिसमें आपकी आवाज सुन रहा हूँ जी, तो आप जो है वो उनको उसमें क्यों नहीं ला रहे हैं, ताकि आपका एक जो मामला है वो पूरा जो जो आप चाह रहे हैं वो जो जो कंटेंट आपके यहाँ क्रिएट हो रहा है और वो अब्यूजिव है, तो आप मुझे बताइए कि हमने उसको रोकने के लिए क्या किया है? तो अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, जो कल गुफ्तगु चल रही थी, उस पर अभी क्या होने जा रहा है, उस पर क्या एक्शन आज आप लोगों ने लिया है, या कोई ऐसी डेवलपमेंट अभी फिलहाल नहीं हुई है? देखिए, मेरी रात को अटॉर्नी जनरल साहब से भी बड़ी डिटेल जो है वो बात हुई थी, और मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसा बैन यूट्यूब के ऊपर जो है वो नहीं लगने जा रहा, और सिचुएशन जो है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी कि मीडिया या सोशल मीडिया पे डिस्कशन. ठीक है, अब हम आते हैं एक सवाल पे जिसके तीन पार्ट्स हैं. एक पार्ट है उसका अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एक पार्ट है उसका ओवरऑल जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, और जो एक स्टेटस है इस वक्त हमारी जुडिशरी का, और तीसरा इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है, और असेंबली में भी शोर चल रहा है, आपकी कैबिनेट के भी अंदर बात हो रही है, और पूरे मुल्क में बात हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी परेशान है, वो है नैप के हवाले से. तो इन तीन इश्यूज पे आपका क्या व्यू है, क्या आप देख रहे हैं? आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट रहे हैं, आपने बचपन से आज तक अपने घर में पॉलिटिक्स देखी है, और हमने कम से कम ये देखा है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, और मेरी मुराद इस गवर्नमेंट से नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कोई भी हो, तो वो एक वक्त सुकून से गुजार लेती है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा आताप का शिकार रहती है, जब वो गवर्नमेंट चली आती है तो फिर वो आताप का शिकार हो जाती है. तो ये सिस्टम कब तक चलेगा, और अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं होती इस मुल्क में? क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी, उस वक्त तक हम इस मसले को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर लाखों केसेस जो है वो पेंडिंग में है, और कोई काबिल जिक्र रिफॉर्म सामने नजर नहीं आती, अगर हुई भी है तो वो नजर नहीं आती, बिकॉज के केसेस हैं वो सालों साल चलते रहते हैं, पेशियों पे पेशियां चलती रहती हैं. एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का, और तहरीक इंसाफ का नाम ही तहरीक इंसाफ 1996 में इस वजह से बड़ा था कि इस मुल्क में एक इंसाफ मिले एक आम आदमी को. एक आम आदमी को इंसाफ मिलता नहीं है,
और जो पावरफुल है वो इंसाफ उसी के लिए समझते हैं कि रखा है, उसने कोई करप्शन की हो, उसने कोई मर्डर किया हो, लेकिन वो कानून के कटहरे से निकल आता है। जो एक आम आदमी है वो बगैर केस चले सालों साल जो है वो अपने जेल में गुजार देता है। और तीसरी बात जो मैंने नैप के हवाले से की, तो उस पर भी बहुत सारे तहफ्फुज़ात हैं, तो उस पर जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे जरूरत है कि तीनों पार्टीज जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके बाद जो हमारी दूसरी जो मेन पार्टीज हैं, वो सब एक पेज पे बैठ जाएं अपने खिलाफात बुला के, बिकॉज के जो गवर्नमेंट में आता है वो सही हो जाता है और बाकी जो है वो सब उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं। पिछली दो गवर्नमेंट्स ने भी काबिल जिक्र काम नहीं किया, आज वो शोर मचाते हैं, कल आप लोग शोर मचाएंगे, तो ये कब तक चलता रहेगा? पाकिस्तान के अगले 50 साल जितना चलता रहेगा इन तीन इश्यूज पे मुझे आपके सैर हासिल गुफ्तगू इस वजह से भी चाहिए बिकॉज यू आर ऑल्सो अ लॉयर अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन, यू आर अ लॉयर, यू आप इन चीजों को बेहतर समझते हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स ने जो फेस किया लास्ट फ्यू ईयर्स में, नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट बट प्रीवियस गवर्नमेंट ऑल्सो, आज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीईओ बनने को तैयार नहीं है, पब्लिक कोर्ट्स पे लोग जाने से कतराते हैं। तो ये बहुत मैसिव इशू है जो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा बैरियर है कि आप जो टॉप क्लास आपकी जो प्रोफेशनल्स हैं वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हुए घबराते हैं और वो नहीं जा रहे, तो इसका डैमेज अल्टीमेटली स्टेट को हो रहा है। पार्टी कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, पार्टी जो भी होती है, असल पार्टी पाकिस्तान। मुझे आप इस पे बहुत डिटेल और बहुत कैंडिड गुफ्तगू चाहिए, इसके लिए आप मशहूर हैं। देखिए आपकी जो सारे सवाल है ना, वो सवाल सिर्फ एक ही है और वो सवाल ये है कि आखिर हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो क्यों डिलीवर नहीं कर। नैब जो है उसके ऊपर गुफ्तगू ज्यादा होती है, वो इसलिए ज्यादा होती है कि उसमें बड़े लोगों के केसेस जाते हैं और तमाम बड़े लोगों के चूंकि केसेज जाते हैं तो उनके ऊपर डिस्कशन ज्यादा होती है, इंपॉर्टेंट लोगों के केसेज जाते हैं उन पर डिस्कशन होती है। लेकिन एक्चुअली जो नैब के भी मसाइल हैं वही मसाइल हैं जो दरअसल आपके जस्टिस सिस्टम के मसाइल, और आम आदमी के साथ तो फ्रेंकली नैब में जो सलूक होता है बड़े लोगों के साथ, आम आदमी के साथ तो उससे बहुत बुरा सलूक होता है पुलिस स्टेशन के अंदर, और जिस तरीके से उनके केसेज या जिस तरीके से उनका एक पूरा पैराफर्निलिया चल रहा है जिंदगी का, वो तो बहुत ही एक आई वुड से एक काबिले तवज्जो है और काबिले रहम है जिस तरीके से हमारे आम आदमी के साथ ट्रीटमेंट होता है। अब सवाल ये है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको हमें टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है वो लेनी चाहिए, और हमें सबसे पहले जो तहसील कोर्ट्स है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुपीरियर कोर्ट्स इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। जो भी लोग इस वक्त कई जजेस जो बन जाते हैं सुपीरियर जुडिशरी में, वो उस तरह से उनका उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बाद में इस तरह के प्रॉब्लमेटिक हैं कि वो फिर उनके उनके जो डिसीजन हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। लिहाजा मेरी नज़र में सबसे पहले तो हमें एक जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में हमें सिविल कोर्ट्स एबॉलिश कर देनी चाहिए, और जो 10 लाख रुपए से छोटे केसेस हैं और 3 साल से कम सजा के केसेस हैं वो हमें यूनियन काउंसिल्स में मसालेहती काउंसिल्स या आर्बिट्रेशन काउंसिल्स को दे देने चाहिए। आपको हैरत होगी ये सुन के कि ये अगर हम करें तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे अदालतों से 42% केसेस खत्म हो जाए और ये केसेस जो हैं वो चले जाएंगे यूनियन काउंसिल्स में, और ये केसेस हैं सिर्फ जो 10 लाख रुपए तक के। और इससे क्या होगा कि जो सीरियस केसेस हैं, सीरियस जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इंडिविजुअल इश्यूज हैं, उनमें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को मौका मिलेगा, वहां पर आप केसेस लेके जाएंगे और फिर आपकी हाई कोर्ट में अपील आ जाएगी। इसी तरह से जो अपॉइंटमेंट है जजेस की, 70% जो मेरे ख्याल में हमें जो जजेस हैं उनको हमें लेके जाना चाहिए, हमें जुडिशियल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनानी चाहिए, और ये जजेस डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आए और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से ये फिर एलिवेट हों हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। 30% जजेस जो हैं वो हमें डायरेक्टली हम ले सकें, लेकिन उसके लिए आप एक कम्प्रिहेंसिव कमीशन क्रिएट करें जिसमें के हाई कोर्ट के चारों चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के और फेडरेशन के 3 जो जजेस हैं वो, ये 7 एक इनिशियल कमीशन बने और पार्लियामेंट्री कमीशन बने उन जजेस की कंफर्मेशन के लिए। तो 30% जज जो है वो आप इंडिपेंडेंट लें, लेकिन 70% जजेस जो है वो मुकाबले के इम्तिहान के जरिए आए ताकि आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर हो। और फिर आपका इस वक्त फ्रेंकली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है
और जुडिशरी है उसकी तनख्वाहों का मसला नहीं है। हमारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो दुनिया के शायद सबसे ज्यादा वेल पेड जजेस हैं। तकरीबन एक हमें जो सुप्रीम कोर्ट का जज है इट कॉस्ट अस अराउंड 50 से 70 लाख रुपया महीना। इसी तरीके से जो हाई कोर्ट का जज है वो भी हमें तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए में जो है वो एक जज जो है वो हमें कॉस्ट कर रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो भी हमें तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए में कॉस्ट कर रहा है। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो इतना नहीं है कि हम खर्च नहीं कर रहे इनके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ये मसला है कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं होते, दूसरे हम पैसे ज़ाया बहुत करते हैं। तो जिस और इसी तरीके से ये जो नैब है, देखिए मैं समझता हूँ कि हमें पैरेलल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नहीं बनानी चाहिए फेडरल सतह के ऊपर। पूरी दुनिया में जैसे FBI है या इंडिया में CBI है, हमें एक एजेंसी बनाएं, चाहे नैब बना लें चाहे FIA बना लें, लेकिन उसको फिर आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें। उनकी बिल्डिंग, उनके ऑफिस अच्छे होने चाहिए, उनके पास फॉरेंसिक जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके पास अपनी इकोनॉमिक जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल करने का जो IO है उसको पता होना चाहिए, और उसकी जो है पूरा एक R&D सेक्शन होना चाहिए उनका, ताकि जब वो वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको जब वो इन्वेस्टिगेट करें तो उनके पास सारे टूल्स हों, और कोर्ट में जब केस जाए तो वो पूरा जो है वो प्रॉपर। अब हम पैसा स्प्रेड आउट कर देते हैं, आधे पैसे हम इधर दे रहे हैं आधे पैसे उधर दे रहे हैं, ना इधर वालों का काम हो रहा है ना उधर वालों का काम हो रहा है। तो दिस नीड्स टू बी एक्चुअली लुक्ड एट इन दिस। ठीक है, हम बात करते हैं हमेशा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम। जो 70 साल से एक निज़ाम यहाँ पे चल रहा है उसमें आधा टाइम जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे, उसके अलावा यहाँ पे डेमोक्रेसी रही, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो सिस्टम उस लेवल पे प्रोडक्टिव नहीं है जो होना चाहिए, जो इस मुल्क का पोटेंशियल है। और उसमें आई थिंक कसूरवार सिर्फ रूलर्स नहीं थे बल्कि सिस्टम का बहुत बड़ा अमल दखल था। सिस्टम यह है कि एक आम आदमी, मैं समझता हूँ कि वो ऊपर ग्रास रूट से उसका आना बहुत मुश्किल है, अलग-अलग उसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट हो, अदरवाइज एक टैलेंट जो ना पाकिस्तान में ऊपर नहीं आता। और हम गवर्नमेंट एक चलाते हैं, लास्ट टू गवर्नमेंट्स में भी आपकी दो प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो तब्दील हुए, ठीक है 5 साल का टेन्योर एक पार्टी का पूरा हुआ, बट ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो चीजें उस लेवल पर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही जो होनी चाहिए। तो खतरा ये नजर आता है कि अगर ये सिस्टम इसी अंदाज में चलता रहा जो हमारा ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ये रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ठीक है, एक अगर आपकी कुछ टेन्योर्स पूरे होते हैं जिसको 5 साल की जगह मेरे ख्याल में 4 साल का होना चाहिए, 4-5 इलेक्शंस हो कंटिन्यूटी में हो, तो उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन मुमकिन यही नजर आता है कि वो मुकम्मल तौर पर बेहतरी नहीं होगी। तो इस सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे, बिकॉज कि आपने इसको भी फर्स्ट हैंड देखा है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट रहे हैं, आपको माइंडसेट्स का पता है, तो क्या ये सिस्टम सरवाइव कर सकेगा, क्या ये सिस्टम पाकिस्तान को प्रॉस्पर कर सकेगा, क्या हम तरक्की की राह पे चल सकेंगे, या हम अपॉर्चुनिटीज को देखते रहेंगे और अपना वक्त बर्बाद करते रहेंगे एज नेशन। पहली बात तो यह है कि ऐसा भाई बात यह है कि एक तो हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है ना, ये बात आप भूल जाएं, 10 इलेक्शन भी आप करवा लें, अगर आप सिस्टम नहीं बदलेंगे तो ये सिस्टम यही कंटिन्यू करे, कोई इस सिस्टम में बेहतरी नहीं आ सकती। इसके लिए जो बड़े फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो हमें चाहिए, वो रिफॉर्म हमारे यहाँ उसको कुछ सोच भी नहीं रहा फ्रेंकली करने की। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक डेमोक्रेसीज जो हैं वो चलती हैं, जमहूरियत चलती है जबकि बुनियादी चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ एक मिनिमम कॉमन एजेंडा आपका तय हो। मसलन इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन हो उसके बाद हमें पता होगा कि कोई पार्टी इसको क्वेश्चन नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह का होना चाहिए। जुडिशरी एक ऐसी चाहिए जिसके ऊपर फैसला हो तो पता हो कि तमाम लोगों का इसके ऊपर एतमाद होगा, हमारा ऐसा वो भी नहीं है। इसके साथ हमारे यहाँ जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है वो पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा होता है, लिहाजा पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली एज एन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती, वो लीडर को फॉलो करते हैं। इसीलिए आप देखें आजकल अगर क्राइसिस अगर आप देखें एनालिसिस करें अगर आप PMLN का, तो इसलिए उनको इस वक्त क्राइसिस का सामना है कि वहाँ पर लीडर की तब्दीली या लीडर की एब्सेंस का सामना है, लिहाजा उनको इस वक्त जो है वो क्राइसिस नजर आ रहा है कि लीडर नहीं है, उनकी पॉलिसी नहीं है, बदल देती है रोजाना, और उसकी वजह से उनको जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है।
इसी तरीके से जब बेनजीर भुट्टो शहीद के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो अपने कदमों के ऊपर खड़ी नहीं हो पा रही। सो ये इसलिए क्राइसिस होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लीड नहीं कर रही हैं, पॉलिटिकल लीडर लीड कर रहा है पार्टी को भी और लोगों को। लिहाजा एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कब हम पॉलिटिकल पार्टीज की का एक स्ट्रक्चर बना पाएं, और वो एक सुनहरा मौका था जब 18वीं आईनी तरमीम में जो सबसे बड़ा हमने ब्लंडर किया वो ये किया कि हमने जो टेन्योर है प्राइम मिनिस्टर की कि वो 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं हो सकता वो हमने हटा दी। अब उसके बाद जो लीडर आता है उसको ज़रूरत ही नहीं है रिफॉर्म करने की, वो तो चाहे 25 दफ़ा भी बन जाएगा वो 25 दफ़ा बन जाएगा। लिहाजा वो पार्टी स्ट्रक्चर नहीं करते, बल्कि इसलिए भी नहीं करते कि क्या ज़रूरत है करने की, और अगर हम करेंगे तो कोई हमारे खिलाफ ही जो है वो कल खड़ा हो जाएगा। तो पार्टी स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी लीडर जो है वो अपनी पार्टी को उस तरह से स्ट्रक्चर करने में कीन नहीं है। इमरान खान इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, और उनकी ख्वाहिश है, लेकिन अब वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको अब तो इमरान खान के पास टाइम भी होगा कि वो करेंगे। ये चीज़ें अपोजिशन में होती हैं ज़्यादा, इसमें गवर्नमेंट में नहीं होती। या फिर हम कोई लेजिस्लेशन लेके आए जिससे कि हमारा ये मामला जो है वो हल हो, अगर आप टेन्योर ही बहाल कर देंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए उससे भी काफ़ी जो है वो फर्क पड़ेगा। और इसके साथ एक देखिए अपोजिशन और गवर्नमेंट को अपना एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है उसके ऊपर अपने आप को लाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 5-6 साल हुकूमत जो है वो पत्थर उठा के अपोजिशन के पीछे लगी रहे और अपोजिशन पत्थर उठा के गवर्नमेंट के पीछे लगी रहे, तो फिर गवर्नेंस कब हो और जो आपका आइडियाज़ हैं गवर्नेंस के वो कब आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अगर आपके दरमियान इतना ज़्यादा तनाव रहेगा कि आप एक दूसरे की शक्ल ही ना देख सकें। तो जमहूरियत में तो आपको एक दूसरे को थोड़ा बहुत साथ दे के चलना पड़ता है, और मेरा तो पहले भी कहा था फ्रेंकली मेरा तो ओपिनियन यही है कि आप पहले साल लड़ सकते हैं या फिर आप 4th साल लड़ सकते हैं, 5-6 साल आप नहीं लड़ सकते। मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस पे आपका क्या व्यू है बॉस? के बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे ठीक है काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहां पर ये बात बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और ये सिर्फ कोविड की जैसे नहीं है, कोविड के पहले से मामला खराब होने शुरू हो गए थे, जो पोटेंशियल था जो क्लेम्स थे। ठीक है, आज हम जहां आके खड़े हुए हैं आज से 3 साल बाद आप गवर्नमेंट को कहां जाता हुआ देख रहे हैं, क्या इस सिलसिले में स्ट्रेटजी है या इस सिलसिले में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिर्फ हुकूमत अपना टाइम गुजार रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी के बगैर, इस पे आपका क्या कैंडिड व्यू है? देखिए बात यह है, इस हुकूमत का PMLN और पीपल्स पार्टी से रिकॉर्ड तो बेहतर है, उसमें कोई शुबा नहीं है कि इनका जो अभी तक चल रहा है मामला उसमें देखें 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में तो करप्शन एज एन इशू ख़त्म ही हो गया था, इट वॉज नॉट एन इवन एन इशू एट ऑल। सो इस हुकूमत ने एक जो एक किया है और अभी तक कोई काबीना के ऊपर एक पॉलिटिकल शुगल के तौर के ऊपर ठीक है कह दें वो स्कैंडल भी हो गया वो स्कैंडल भी हो गया, बट कोई सब्सटेंटिव एलिगेशन जो है वो उस तरह का अभी तक जो है वो नहीं आया। और इसी तरीके से जो एक अमूमी परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि PTI की हुकूमत को लोगों ने एक रूटीन गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट नहीं किया, इसको उन्होंने इलेक्ट किया है एक रिफॉर्म्स के लिए और एक सी चेंज के लिए। अब वो रिफॉर्म्स क्या है, वो गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हैं, वो जुडिशरी के रिफॉर्म्स हैं, वो एक सोसाइटी के अंदर जो एक मिडिल क्लास है स्पेशली उसको सहारा देने का जो मामला है वो है। वो डेफिनेटली उस स्पीड पे नहीं है जिस स्पीड के ऊपर लोगों की हमसे तो। ये तो आपका कहना है, लेकिन इकोनॉमी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इकोनॉमी अगर आप देखें ना, साल भर ये होता रहा कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, एक अचानक एक दिन आता है जैसा उमर जेवर रिजाइन करके चले जाते हैं, फिर डॉक्टर फीस ये खाते हैं, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो हम सिचुएशन वहीं पर खड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, आपका बिजनेसेस जो है वो बड़े क्राइसिस में हैं, और ये हर हर सेक्टर में मसले आ रहे हैं। मैं डेवलपमेंट की ओर डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और ये सीरियस चैलेंजेस हैं और ये अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं। इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान में तो सारी गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट यही पॉलिसी जो है वो तकरीबन रही है कि उन्होंने ये किया है कि जो पहले 1-2 साल है उसमें उन्होंने स्क्वीज किया है इकोनॉमी को, और फिर 3rd ईयर को आकर के या 3rd-4th ईयर में जो है वो खुलना शुरू हो गया।
और ग्रोथ जो है वो उसमें जो है वो दिखाई है। तो अब ये जो 2 साल इन्होंने किया उसके नतीजे में जाहिर है आपने देखा इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा जो है वो एक्सट्रैक्ट हुई, इम्पोर्ट्स जो है वो बहुत कम हुई, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफी हद तक काबू में आया, और ओवरऑल आपने जो रुपए का ऊपर जो एक एम्बार्गो लगा हुआ था वो हटाया ताकि एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ सकें, और ये सारे इकदाम जो है वो आपने किए। ये बेसिकली इकोनॉमिक मैनेजमेंट है फॉर फर्स्ट 2 ईयर। अब होपफुली फ्रॉम द 3rd ईयर एंड 4th ईयर वो आप ग्रोथ पैटर्न के ऊपर जाते हैं और ग्रोथ दिखाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपने इलेक्शन में जाना होता है। तो आई होप कि 3rd ईयर जिसका अभी आपने कंस्ट्रक्शन पैकेज देखा है एक बहुत ही आई वुड से लिबरल पैकेज है, और इसके ऊपर आप देखते हैं कि इसके ऊपर ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा आता है। अभी भी रिस्पॉन्स एक्चुअली बुरा नहीं है। आप देखेंगे कि कराची में भी मुझे बता रहे थे, लाहौर में भी, कि जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं दोज हैव गॉन अप, और इसी तरीके से जो बाकी जो कंस्ट्रक्शन की रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा होगा। तो देखना यही है कि अभी ये कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा। उस्मान बुजदार, चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ, आपकी नजर में कौन बेहतर प्राइम चीफ मिनिस्टर पंजाब थे? इन तीनों में तो परवेज इलाही बेहतर थे। परवेज इलाही साहब के दौर में अगर पंजाब में कोई तरक्की हुई है यार, या आखिरी बार अगर किसी तौर के ऊपर आई वुड से कोई सिस्टम डेवलपमेंट हुए हैं तो वो तो उस वक्त ही हुए हैं जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत और परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर थे। वो एक्चुअली जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो बहुत उसने डिलीवर किया, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो छोटे डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो रहा था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो था उसके अंदर लोगों को पैसे जा रहे थे और डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनमें तरक्की हो रही थी। उसके बाद से आकर के वो सारा मामला रुक गया और ऑब्वियसली वो अभी तक बाहर नहीं। लेकिन जो उस्मान मुजदार साहब की जो गवर्नमेंट है, पंजाब की मौजूदा गवर्नमेंट, इसके बारे में बहुत नेगेटिव फीडबैक है, और ये नेगेटिव फीडबैक सिर्फ पीटीआई के ओपोनेंट से नहीं बल्कि पीटीआई के जो बहुत मतलब सपोर्टर्स हैं, बड़े सपोर्टर्स हैं, पंजाब बेस्ड हैं, जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, उसपे कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। और मैंने ये देखा कि कोई भी आपका इवन के मिनिस्टर है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाता, सिवाय जब मिनिस्टर ने रिसेंटली उनको अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया तो उसके बाद कुछ लोगों ने अपने तौर पे उनको डिफेंड करने की कोशिश की, बट सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है। आप खुद पंजाब से बिलोंग करते हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए क्या व्यू है आपका, इसको चेंज भी नहीं करते आप। 60% पॉपुलेशन आपकी वहां पर, और जो पंजाब में गवर्नमेंट बनाता है उसी के अगले साल अगली उसमें गवर्नमेंट आती है। क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी नजर नहीं आती सिवाय एक ख्वाब के, वसीम अकरम प्लस आपने दिया हुआ है, और कहना यह है लोगों का कि वो मंसूर अख्तर भी साबित नहीं होंगे, तो क्या आपका व्यू है इस पे? क्योंकि ये बड़ा पेनफुल नजर आता है सम टाइम के गवर्नमेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं करती, डिस्पाइट ऑल द फीडबैक्स। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, फीडबैक्स, लेकिन गवर्नमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर रही। 2 साल निकाल दिए, लगता है अगले 3 साल और निकाल देगी। आपका व्यू? देखिए अब इसके ऊपर मेरा व्यू जो है वो यही है कि दुल्हन वो जो पिया मन भाए, बाकी सारी बातें जो है वो तो आपके अपने एनालिसिस होंगे, किसी और के अपना एनालिसिस। ठीक है जी। अच्छा, -1 की बात चल रही है इस वक्त, और क्या कहते हैं आप इस पे? 2 साल बाद ऐसी क्या नौबत आई, ऐसी क्या सिचुएशन आई कि प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर -1 की बात, जो कम से कम हम जैसे लोग जो प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली भी जानते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा क्यों हुआ? वैसे फ्रेंकली मुझे भी समझ नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा, और उनको फिलॉसफी उनको ये कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर की हर बात जो है वो इंटरप्रेट होती है, बार बार उनके इवन बॉडी लैंग्वेज इंटरप्रेट होती है, बट चीज़ें जो है वो इंटरप्रेट होती हैं, तो उनको अगर ना कहते तो वो बेहतर था। लेकिन -1 में मैंने आपको भी जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ देखें ये माइनस वहां पे हो सकते हैं, जैसे बर्तानिया में 3 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो गए, फर्क नहीं हुआ, यहाँ पे तो इमरान खान ही पीटीआई है। अगर आप माइनस इमरान खान करेंगे तो पीटीआई माइनस हो जाएगी। तो इसलिए जब यहाँ पे पार्टीज जो हैं वो लीडर से बड़ी हैं वहां तो आप माइनस की कोई बात सोच सकते हैं, जहाँ लीडर ही पार्टी से बड़ा है वहां पे आप माइनस क्या करेंगे। इसलिए जो माइनस इमरान खान है, आज इमरान खान अपनी पार्टी का नाम इमरान खान की पार्टी रख लें, पीटीआई छोड़ दे, वो इमरान खान की पार्टी जो है वो वोट लेगी। सो इट्स लाइक मोर ऑफ आई वुड से
किसी का कोई जो है वो इसके ऊपर हो तो हो, लेकिन इमरान खान से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में उनसे बड़ा टॉलेस्ट लीडर कोई नहीं है। तो इमरान खान के इस आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा इशू। एक तरफ तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि इमरान खान इतने पावरफुल लीडर हैं, लेकिन एक तरफ ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आज 22 साल के बाद भी इमरान खान अकेले लीडर हैं, और अगर इमरान खान ना हो तो पार्टी जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हुआ, जो हम 10 साल से फीडबैक दे रहे हैं। इवन के आपकी जो टॉप लीडरशिप है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी या जो भी आपकी टॉप लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट नजर नहीं आती। और फिर ये किस तरह से एक डिफरेंट पार्टी है, अगर आप अपोज करते हैं दो मेन स्ट्रीम जो दूसरी पार्टीज हैं इसमें, और उसमें क्या तब्दीली क्या है, अगर एक ही शख्स पे पूरी पार्टी ने चलना है तो ये किस किस्म की पार्टी है 22 साल के बाद, अगर ये सिचुएशन हम देख रहे हैं तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब मैं एज प्रोफेशनल आपसे बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पार्टी के अंदर बैठते हैं, लोगों से गुफ्तगू होती है, क्या इस बात पे कोई सीरियस डिस्कशन भी होती है, या सिर्फ ये होता है कि हम गवर्नमेंट में बैठ गए और अब हमने कुछ नहीं करना? बिकॉज कि मैं अगर कराची से बिलोंग करता हूँ, मैं कराची में देखता हूँ पीटीए की कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट नहीं है, ज्यादा सीट्स मिली है बट कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और परफॉर्मेंस को छोड़ देना मतलब सिवाय दो चार लोगों के लिए सोशल मीडिया पे लोग नजर आते हैं, इलाकों में लोग नजर नहीं आते, और उसकी रीजन है कि ग्रास रूट पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी भी नहीं है। जब वहां पे अगर आप MQM को देखें या इवन PSP को देखें, अगर आप जमात इस्लामी को देखें, तहरर इलाके में लोग मौजूद हैं, तो वो पार्टी यहाँ पे भी डेवलप नहीं हो सकी। इसी तरह से पंजाब में भी तकरीबन यही सूरत हाल है, इंडिविजुअल्स पे पार्टी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो क्या ये हम इसी तरह से चलते रहेंगे, कल को इमरान खान अगर साइड लाइन होते हैं या कुछ होते हैं तो क्या पार्टी खत्म हो जाएगी, क्या ये वही 70 साल वाला सिलसिला इस पार्टी में भी चलेगा? तो वेयर इज द चेंज, तो चेंज के नारे पे बनी थी ना। तो मेरा एक ये क्रिटिकल फीडबैक भी आप समझ लें और एक क्वेश्चन भी आप समझ लें, बट ये बड़ा वैलिड और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जो आपका फीडबैक है वो भी बड़ा सही है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल आप कहिए कि जो प्रॉब्लम के जो ग्रास रूट्स प्रॉब्लम है वो यही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को एज अ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में वो बना नहीं पाई, और जिसकी जो भी वजूहत हो, जैसे मैंने आपको आगे पहले एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो सोचते हैं उन्हें क्या जरूरत है, अगर अनलिमिटेड उन्होंने आ जाना है तो फिर क्या है। फिर दूसरा जो पीपल्स पार्टी का या PMLN का जो सारा मॉडल है वो पूरा मॉडल ही ये है कि हमने अपने बच्चों को कैसे ट्रांसफर करनी है पार्टी, कि मैं जब अगर होऊंगा तो मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा आ जाएगा, मेरी बेटी आ जाएगी, अपनाने आ जाएंगे। तो उसके नतीजे में होता यह है कि आपका एक जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की जरूरत फील नहीं होती, और इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मामला को ऐसे ही चला रही हैं, एक आई वुड से टेम्परेरी तौर के ऊपर चला रही है। ठीक है, एक और सवाल जो मैंने लास्ट टू कॉन्वर्सेशंस में शबीर साहब से भी किया, शक्कर साहब से भी किया, और ये सवाल हमारा आने वाली कॉन्वर्सेशंस में भी हमारे कंटेंट का पार्ट होगा जी, और वो सवाल ये है कि बेसिकली हमारी बिलोंगिंग किसी भी पार्टी से हो, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी भी पार्टी के लिए हो, लेकिन रियलिटी ये है कि मुल्क सबसे बड़ा होता है, मुल्क ही आपकी असल पार्टी होता है। हमारे मुल्क की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी है, हमारे जो मुल्क का पोटेंशियल है, ये बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 72 ईयर्स में हम ग्रेजुअली आगे जरूर बढ़े हैं, बट जो उसको जिस लेवल पे आपको अचीव करना चाहिए वो आपने अचीव नहीं किया, और एज नेशन भी हम एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस के आदि हो गए हैं, और हम कहते हैं कि यार बस चलो इतना हो गया काफी है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, पॉवर्ट की ऐसे जरूर रुकी है, बट अगले कुछ अरसे में फिर दुनिया उसी स्पीड से आगे बढ़ेगी, और अगर हमने अगले 4, 6, 8 साल, 10 साल अपना किबला सही नहीं किया तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएं। जो आपने साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की, जो आपने रेवोल्यूशन की बात की, आपने बात की हर 10 साल में यहाँ पे एक चेंज आता है दुनिया में, हम कहीं नजर नहीं आते एस नेशन एस पाकिस्तान, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हम जैसे कश्मीर पे बात करते हैं, आप अभी हामिद मीर के शो में बात कर रहे थे कश्मीर के इशू पे, और सारे लीडर्स भी बात कर रहे थे और उनके सगीर भी थे, और हम जिस तरह कश्मीर के इशू पे एक होते हैं उस तरह हम इस मुल्क के जो बड़े इशूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी हैं 8, 10, 12, 15, उन पे हम एक क्यों नहीं हो जाते, हम एक टेबल पे बैठ के डायलॉग क्यों नहीं कर लेते, उस पे यूनानिमस हमारा एक कंक्लूजन क्यों नहीं होता।
ताकि हम उन इश्यूज पे गुफ्तगू ना करें, उस पर हम बहस ना करें और हम बाकी चीजों पे पॉलिटिक्स करें, लेकिन कम से कम बड़े इश्यूज को फोकस करके हम उनको रिजॉल्व करें और जहां अपॉर्चुनिटीज उनको हम कंटिन्यू करें, उसका फायदा ये होगा जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको पिछली गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी मिलेगी और जो कंटिन्यूशन वाला सिस्टम होता है वो बेहतर होता है। क्योंकि यहाँ पर होता ही है कि एक गवर्नमेंट आती है फिर उसके मनपसंद लोग सारे आते हैं, सारे इदारों के चेयरमैन तब्दील होते हैं, फेडरल सेक्रेटरी की ट्रांसफर होती है, हर पांच साल में एक एक्सरसाइज होती थी, पहले दो साल में होती थी, अब हर पांच साल में होती है और फिर उसमें मनपसंद अफराद और फिर वो एक पॉलिटिकल एक गेम गेम शुरू होता है। ये कब तक चलता रहेगा? हम अपने सिस्टम को सही क्यों नहीं करते मिलके? क्यों हम टाइम जाया कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं अभी तो हम उन्हीं को रिजॉल्व जो है वो नहीं कर पाए और ये गवर्नेंस रिफॉर्म जो है वो तो उसका है। मिसाल के तौर पर आप देखें, अभी तो अल्लाह का शुक्र है आजकल ये जो टेररिज्म है उससे तो हमारी जान छुटी हुई है, पर आप देखिए कि हमने तो तकरीबन अपना 70,000 बंदा जो है वो हम अपना शहीद करवा लिया और हम उसके ऊपर कंसेंसस नहीं कर पाए और बड़ा वक्त लगा हमें, 15 साल लग गए हमें। मेरा ख्याल है 2002 से हम शुरू हुए और जाके 2013 10 साल लगे हमें उसके ऊपर ही कंसेंसस हम जो है वो बिल्ड नहीं कर पाए। तो ये बाकी चीज़ों के ऊपर कंसेंसस जो बिल्ड करना तो बड़ा ही एक मुश्किल काम है। इसी तरीके से जो आप, मैंने पहले जब आपसे बात की कि आखिर हमारे यहाँ जो तशरी है रिलीजन की वो कौन करेगा और कौन सी इन्फोर्स होगी, इस तरह के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं जब तक वही सेटल ना हो हम आगे जो है वो कैसे, गवर्नमेंट की रिट जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम लेके आए। गवर्नेंस रिफॉर्म्स में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स बहुत किए हैं, ये जो 50s की मैं आपको बात कर रहा था या 60s की बात कर रहा था, जो असल ये कोई किसी की वजह से अगर कोई उस वक्त तरक्की कर रहा था तो अपनी ब्यूरोक्रेसी की वजह से कर रहा था, क्योंकि उस वक्त उसकी जो बेसिस थी वो बहुत स्ट्रांग थी और ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े किए थे। तो अगर हमें अपनी जो गवर्नेंस रिफॉर्म जो है वो लेके आनी है तो हमें अपनी ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म जो है उनको तरजीह देनी होगी। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको ये कहा कि अनफॉर्चुनेटली डे टू डे मामलात में इतने फंस जाती है हुकूमत और इतने फंसे हुए हैं कि जो बड़ी तस्वीर है वो आपको उसमें खो जाती है। आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, आपके गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, आपके जो बाकी जो आपके मामलात हैं उनमें आप इतने आ ही नहीं पाते कि आपको रोज क्या हो जाता है, आज डीजल खत्म हो गया, आज डॉलर ऊपर चला गया, आज अपना मोदी ने यह कह दिया है, आज जो है वो तैयब अर्दगान ने यह कर दिया है, ट्रंप ने यह कह दिया है, आपका उसका क्या असर होगा, हमारी तो गैस खत्म हो गई है, हमारे यहाँ गंदम जो है वो 2300 रुपए के ऊपर चली गई है। ये इश्यूज डोमिनेट कर जाते हैं, डे टू डे इश्यूज एक्चुअली बड़ी तस्वीर को जो है वो मर्जी कर देते हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस मेरे आपसे हैं क्योंकि हम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं, 10:45 हमारा क्लोजिंग टाइम है और मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कराची की मैंने आपको एक एग्जांपल दी, कराची की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर आप सारे बड़े शहरों में देखें जो सिचुएशन कराची की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीवरेज सिस्टम है, जो वाटर का इशू है, जो गार्बेज का इशू है और जो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रीट क्राइम्स वहाँ पे डेली बढ़ता जा रहा है हर गुजरते महीने के साथ, लास्ट 1-1.5 साल में वो क्राइम रेशो बढ़ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे आप ये कहेंगे कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, सिटी गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, वो बिल्कुल है, लेकिन अगर हम उसको एक तरफ साइड पे रख दें और अगर हम रिकॉल करें कि जो जनरल मुशर्रफ के जमाने में यहाँ पे हुआ था कि उन्होंने उस पर मुकम्मल कॉन्सेंट्रेट किया जबकि सिटी गवर्नमेंट उनके साथ नहीं थी, जो पहली सिटी गवर्नमेंट थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, टॉप लीडर, लेकिन अब तक वो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स या वो कॉन्क्रीट इवन की स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। एक मिनिस्टर उठ के कहता है कि हम अगले 10 दिन में इस शहर का कचरा साफ कर देंगे, ये लास्ट ईयर की बात है, और 10 दिन बाद इस शहर का कचरा और ज्यादा डबल हो गया बिकॉज के वो ये रियलाइज नहीं कर सके कि यार दिन कितना कचरा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो वजह यही थी कि पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पीछे जो है वो प्लानिंग नहीं थी, पीछे सिर्फ फेक क्लेम्स थे। ये कराची में 14 सीट्स आपके पास जो हैं, ये 14 की जगह 16 भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वो कब होगा? हम 2 साल से गुफ्तगू कर रहे हैं और आज 2 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया है, लेकिन वो स्ट्रेटजी वो कुछ नजर नहीं आ रहा।
इस पे आपका एज पॉलिटिकल वर्कर, मैं आपसे भी आपकी फील्ड नहीं है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, आप कराची से बिलोंग नहीं करते, लेकिन एज पॉलिटिकल वर्कर बिकॉज यू आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन विद इमरान खान ऑल्सो, क्या आप देखते हैं कि कोई वाकई कुछ होगा या ये टाइम जाया होगा? इस पे मुझे आपका कैंडिड व्यू चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी जो भी आपने मिसाल दी, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक बहुत कामयाब तजर्बा किया गया था और वो ये था कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया गया था। अब जब तक ये जो कराची के जो मसले हैं या जो लाहौर के मसले हैं या जो बड़े शहरों के मसले हैं, ये मसले देखें उस वक्त हल होंगे जब उनके पास पैसे होंगे, उनके पास वसाइल होंगे। और वसाइल कैसे होंगे कि अगर आप इस तरह से आप देखिए कि तकरीबन 14 ट्रिलियन रुपया पिछले तकरीबन जो 10 साल है या 12 साल है उनमें सिंध को मिला है 12 से 14 ट्रिलियन रुपया। अब ये दो लोगों ने खर्च किया है, कायम अली शाह साहब ने और मुराद साहब ने। अब ये पूरे पाकिस्तान का जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो मुगल बादशाहों से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो पैसा उनके पास आता है, उसके बाद उनकी मर्जी है वो डिवाइड करें। कराची का तो बड़ा शहर है तो हम ज्यादा उसका जिक्र करते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, घोटकी। घोटकी सिंध का सबसे बड़ा गैस का जो रिजर्वॉयर है वो घोटकी में है, इससे पहले बदीन में था। आप मुझे बताएं, उन शहरों को तो असूली तौर के ऊपर पेरिस होना चाहिए था, उनको भी 1 रुपया नहीं मिला। तो आपने अब इसी तरह से कराची जो है वो हर साल सिंध गवर्नमेंट जो है वो 3 बिलियन रुपये जो है वो रेंजर्स को देती है, लेकिन अपनी पुलिस ठीक नहीं कर पाई। आप वही पैसे 2 साल अपनी पुलिस पे लगा दे वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इशू ये है कि एक तो ये आपको अल्टीमेटली प्रोवेंशियल फाइनेंस कमीशन, जिसके ऊपर मैं बार बार एम्फेसिस कर चुका हूँ, पब्लिक बात कर चुका हूँ, कैबिनेट में बात कर चुका हूँ, आपको NFC अवार्ड को हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ एक काम करना चाहिए, NFC अवार्ड के साथ ये शर्त लगाए कि आर्टिकल 140A आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो सारे लोग जो NFC अवार्ड के ऊपर इनके गले बैठ जाते हैं बात करते करते, ये प्रोवेंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी तमाम वसाइल के ऊपर, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खुद बैठना चाहते हैं, वो आगे डिवॉल्व भी नहीं करना चाहते। सो चाहे वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे सिंध का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे KP का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर हो, वो तैयार ही नहीं है अपने अख्तियारात को डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करने में। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक आप पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन नहीं करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे और कराची विल रिमेन, विल फेस मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, फवाद चौधरी का एस फवाद चौधरी पॉलिटिकल रोड मैप क्या है इन 2020, क्या देखते हैं आप आने यहाँ पे? फवाद चौधरी आप क्या देखते हैं अपने आप को खड़ा हुआ? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो रोड मैप है ना पॉलिटिक्स में, वो 6-6 महीनों के बनते हैं, 10-10 साल के नहीं बनते। आप यही तो हमारा फेलियर है, यही हमारा फेलियर है, यही फेलियर है। क्योंकि इस सिस्टम में अगर आप 10 साल का रोड मैप बनाएंगे तो आप तो 6 महीनों में फारोग हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली जो है आपका जो रोड मैप है वो होना चाहिए कि 6 महीने सर्वाइव कर जाए, फिर अगले 6 महीने की सर्वाइवल देखें, फिर उससे 6 महीने की सर्वाइवल देखें। ये आपने बात को बड़ी खूबसूरती से घुमा दिया, लेकिन फिर भी एक जहन होगा ना कि आप कहां देखते हैं फवाद चौधरी को अगले 5 सालों में? देखिए, अभी तो जो है वो अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। सही है, आपका बहुत शुक्रिया फवाद साहब। और कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो ऑब्वियसली कहाँ हीरो से जीरो बनते हैं, कितना टाइम लगता है और जीरो से हीरो। बिल्कुल ऐसे ही होता है, यहाँ तो ये भी होता है कि जफरुल्लाह जमाली साहब रात को कहते हैं कि जी मैं नहीं जा रहा, अगली सुबह वो रिजाइन कर देते हैं। तो इस मुल्क में तो ये हमने बहुत देखा है। बहरहाल, हम पाकिस्तानी हैं सारे और एक चीज पे हमें बिलीव करना चाहिए कि गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को कामयाब होना चाहिए। बिकॉज के गवर्नमेंट की कामयाबी स्टेट की कामयाबी होती है। 5 साल का जो एक टेन्योर है वो पूरा होना चाहिए और उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें नेगेटिविटी भी आती है, उसमें क्रिटिसिज्म भी होता है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी होता है, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिव अंदाज में लें और उसको हम कंस्ट्रक्टिव वे में आगे लेके चलें, और गवर्नमेंट्स को भी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट हो, आज की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कॉन्क्रीट चीजों पर हाथ लगाए। जो इलेक्शन से पहले नारे होते हैं, जो 10-10 साल नारे लगे, जो क्लेम्स हुए और सारा कुछ हुआ, चेंज ऑफ सिस्टम की बात होती है, चेंज ऑफ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है,
उस पर हमें कॉन्क्रीट विदाउट एनी फेयर फैक्टर काम करना चाहिए. बिकॉज कि अगर आप चार या पांच अच्छे बड़े काम कर ले, जरूरी नहीं कि आप 25 काम करें, लेकिन आप कम से कम कॉन्क्रीट काम करें. अब आपको सब कुछ नजर आता है आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में. तो इस बात के साथ हम इस गुफ्तगू को आज की क्लोज करते हैं. और कल हमारा जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा एक डायलॉग है नेपरा चेयरमैन के साथ, और जो पावर इश्यूज हैं उसमें रेगुलेटर्स का व्यू है. और हमने तीन हमारे बहुत ही काबिले एहतराम मेंबर्स और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को हमने एंगेज किया है. आफ्ताब महमूद भट्ट साहब हैं, जफर सुबानी हैं और आयला माजिद हैं. ये तीन हमारे मॉन्सिस मेंबर इस गुफ्तगू को डिस्कस करेंगे तौसीफ फारूकी साहब के साथ, जो चेयरमैन नेपरा हैं. 9:25 PM शार्प हम फेसबुक लाइव नटशल कॉन्फ्रेंसेस पे दोबारा हाजिर होंगे. और उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.